एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, देहरादून में तो बहुत गर्मी पड़ रही है। yes. इतनी गर्मी पड़ रही है कि आज हो रखा है 43 डिग्री सेल्सियस हो रखा है मौसम का तापमान। और सभी लोग देख सकते हैं घरों के अंदर हैं, कोई भी आपको नहीं दिख रहे हैं। और बेचारे कैसे लोग काम कर रहे होंगे धूप में जो बाहर वर्क करते हैं। मुझे तो सोच के ही वो हो रहा है कि बताओ, इतने हम तो चलो घर के अंदर हैं, लोग कैसे काम करेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारी लीचियाँ हो रखी हैं इस साइड, और गर्मी से ये भी अब धीरे धीरे पकने लग गई हैं, ये देखिए। और काफ़ी मतलब तूफान भी आया था, हवा चली थी थोड़ा तो झड़ गई थी, और इस साल इस पे ऐसी लीची आई हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। और पर जब तक ये और पकेंगी, मुझे लगता है कि ये अगर हवा या बारिश होगी तो ये झड़ जाएंगी। तो अभी खाने में तो खट्टी हो रही है, अभी इतनी मीठी नहीं है। और ये है आम, और ये इधर आम लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और अभी आम भी कच्चे हैं, पर इस पेड़ पे सिर्फ 10-15 ही आम है, ज़्यादा आम तो है नहीं। और लीची भी 40-50 होंगी, बस इसी साइड ज़्यादा दिख रही हैं, उस साइड से नहीं है क्योंकि झड़ चुकी हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में इस पे फूल आए थे, बौर आई थी, तो काफ़ी ज़्यादा आई थी। हमें लगा कि इस बार बहुत लीची और आम आएंगे, बट आई नहीं है। और इधर हो रहे हैं नींबू, और नींबू में अब जब हम तोड़ रहे हैं तो इनमें अभी से रस आने लग गया है काफ़ी, ये देखिए, ये नींबू हो रहे हैं। और नींबू ढेर सारे हो रहे हैं, ये तो सदाबहार पेड़ है, काफ़ी नींबू देता है हर साल। ये है हमारा अमरूद का पेड़, और इस पे भी छोटे छोटे अमरूद आने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। और यह है छोटा सा अनार का पेड़, और इस पे भी देखिए छोटू सा अनार लगा हुआ है। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कितनी गर्मी हो रही है और कैसे आप गर्मी से जूझ रहे हैं, मुझे बताइए। पहाड़ों में भी अब गर्मी होने लग गई है। और यह है लौकी की बेल, तो अभी इधर लग रही है लौकी, ये लग रही है। फ्रेंड्स, ऐसे ही छोटी छोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।